आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, 9 की 9 वंदे भारत मिनी वंदे भारत हैं, यानी कि 8 कोचेस। यस, वेलकम टू नमस्कार केरला, गॉड्स ओन कंट्री। इनॉग्रेशन आराम से और ये रही आपके सामने एक्सक्लूसिव। यस, ये देखने को मिली त्रिवेंद्रम टू कासरगोड वंदे भारत। नमस्कारम, आज की डेट 24 सितंबर, आप इतिहास में लिख लीजिए। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री है जो ये काम कर सकती है, वो है इंडिया, वो है भारत। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, सीधी 9 वंदे भारत को लॉन्च करना। पहले इंडियन रेलवेज 2 करती थी, फिर 5 वंदे भारत इन वन डे, और आज 9 वंदे भारत, वो भी देश के अलग अलग कोने में। ये है #IncredibleIndia, और आपके सामने मैं लेके आया हूँ इंडिया की पहली ऑरेंज वंदे भारत, केरला की दूसरी वंदे भारत। आपको बता दूँ, कासरगोड टू त्रिवेंद्रम द मोस्ट प्रॉफिटेबल वंदे भारत ऑफ इंडियन रेलवेज। बता रहे हैं लगभग मोर देन 150% ऑक्यूपेंसी। सोचिए, सेम रूट पर एक और वंदे भारत। ऑरेंज वंदे भारत की जर्नी आपके सामने नहीं आए, इनॉग्रल जर्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू करें। देखिए, आपको स्टाइल बताते हैं, कमान हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं आज इस एक्सक्लूसिव सेफ्रॉन वंदे भारत के साथ। आप ये वाली जर्नी देखिएगा, त्रिवेंद्रम तक पूरी जर्नी आपको दिखाई जाएगी, खाना पीना, क्या क्या फीचर्स में बदलाव हुआ है, सब कुछ। बस आपके चेहरे पर जो स्माइल है ना, इसे बनाए रखिए। तो मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नी। सोचिए, 9 वंदे भारत, राजस्थान, वहाँ हो गया वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, कितने स्टेट्स, आपको तो पता ही है ना। अगर आप इस ऑरेंज वंदे भारत में ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ट्रेन नंबर हो गया 20631, ये कवर करेगी, मानिए लगभग 600 किलोमीटर, एट ऑलमोस्ट 8 घंटे इसको लगेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर। मेरे को पता है आप भी यही सोच रहे होगे, बट यार कुछ नहीं कर सकते, एवरेज ऑपरेटिव स्पीड अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर। अंदर इंटीरियर में क्या क्या बदलाव हुआ है, वो सब आपको आगे दिखाया जाएगा, कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ। आपको पहले ये दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा, ये हमको दिया गया है इनॉग्रल पास, जो आपको मिलता है CPRO से। जिस भी जोन में वंदे भारत चल रही है, सत्य भाई आपसे जानना चाहेंगे, बात बताओ, आप इसमें बैठोगे, हमारे साथ सीधरी में आ रहे हो, हमारे लिए 22 सीट ऑलरेडी अलॉटेड है भाई। यस, हमको पास दिया गया बाय द PRO, बट सत्य भाई ऑरेंज वंदे भारत हमारी एक और जर्नी साथ में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, बहुत एक्साइटेड हूँ, और केरला है, सुंदर जगह है, साथ में एक्सप्लोर करेंगे, खाते पीते, सैफ्रन वंदे भारत द बेस्ट लुक। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी, और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट जरूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। आप सोच रहे होंगे कि इस वाली ऑरेंज वंदे भारत में केरला की दूसरी वंदे भारत में क्या अलग है, तो आपको ये दिखाऊं। आज तक मैंने इतनी इनॉग्रल जर्नी करनी, बट आज तक ये नहीं देखा। सोचिए, मैं आपको ज़रा यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ ट्रैक पर। ये देखिए, ट्रैक पर बैठ के यहाँ पे वंदे भारत के सामने पूजा की जा रही है। अब ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, आई एम श्योर ये केरला की कोई लोकल ट्रेडिशन है, ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा। बट आप देखिए चारों तरफ मीडिया, आप देखिए लोग, देखिए, सोचिए, क्या आपने आज तक ऐसा देखा, ट्रैक पर बैठ के सोचिए पूजा की जा रही है। ये है इनक्रेडिबल इंडिया, और ये है इस वंदे भारत का क्रेज़। आप देखो यहाँ पर लोग, आप देखिए पागलपन लोगों में, देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वंदे भारत को लगा दिया गया है, और देखिए यहाँ पूजा हो रही है। मतलब ऐसा गर्व महसूस होता है, इतना प्राउड फील होता है। आप देखोगे साउथ रेलवे जोन के यहाँ पर GM आप देख सकते हो, DRM देख सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट दिस सीन, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिस इज गूज बम्स। अगर आप देखोगे आगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए फाइनली गेट्स ओपन कर दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप सेफ्रॉन वंदे भारत के। सबसे पहले मैं आपको पूरा इंटीरियर टूर देने जा रहा हूँ, सबसे पहले चेयर कार का। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको पहले ये दिखा दूँ, ये देखो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना हुआ, पैसेंजर कैपेसिटी इसकी हो गई 78। चलिए अब आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे फर्स्ट क्लास बाथरूम, आप देख लीजिएगा
मेजर डिफरेंस अगर आप पूछोगे ज़्यादा नहीं है, फीचर्स बताए जा रहे हैं। यस, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको हर पे चार्जिंग पॉइंट हो गया, प्लस ये लाइट्स भी बता रहे थे, लाइट्स में भी कुछ अलग किया गया है। यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन हो गई, 3x2 का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, जल्दी से आपको दिखा दूँ। ऊपर लगेज का हो गया, नीचे देख लीजिए वाटर बॉटल होल्ड हो गया, ये लेग रेस्ट भी आप कह लीजिए अच्छा खासा है, और प्लस लेग रेस्ट हो गया। यहाँ पर इन्होंने पानी की बॉटल दी गई है, ये ट्रे भी आप देख लीजिएगा। देखो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस है नहीं, बट येस बिकॉज इट इज़ न्यू कलर वंदे भारत, तो आपके सामने पूरा इंटीरियर चेयर कार का बनता जरूर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आइए इंटरसिटी एक्सप्रेस, येस थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा, थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम कलर आपको मिलेंगे, और इस तरफ ये हो गई मिनी पेंट्री कार, जो आपको हर कोच में मिलता है, फूड गर्म पानी, पानी ठंडा वगैरह, जो भी सर्विंग वगैरह आप देख रहे हो। यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, खाना पीना क्या सर्व होगा इस इनॉग्रल वंदे भारत में वो आपको दिखाया जाएगा। तो ये है आपके सामने पूरा एक्सक्लूसिव चेयर कार, इस न्यू वंदे भारत का चेयर कार का इंटीरियर। आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सीट्स वगैरह सब आप देख लीजिए, आई गेस कम्फर्ट ज़्यादा है, लेग स्पेस बढ़िया, भी सब कुछ मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक। 20631 वंदे भारत का आपको बता दूँ, दिस रन्स एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूजडे, ट्यूजडे को इसका मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ होगा। फिलहाल इसको चलाया जा रहा है फ्रॉम कासरगोड टू त्रिवेंद्रम, बट बता रहे हैं बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा टू मैंगलोर। और जब भी आप प्लान कर रहे हो कॉस्टिंग का, तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगा, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा कासरगोड टू त्रिवेंद्रम के लिए दो वंदे भारत है, एक हो गई ऑरेंज एक हो गई वाइट। तो जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं प्लीज़ उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। केरला की दूसरी वंदे भारत, अभी तो आप आगे देखिएगा ऑरेंज वंदे भारत अभी आपके सामने और आने वाली है, और आपके सामने बैक टू बैक वंदे भारत के व्लॉग्स। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर आपको एक्सक्लूसिव BTS देखने को मिलेंगे। अगर आपने फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जो 9 वंदे भारत हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ, 9 की 9 वंदे भारत मिनी वंदे भारत हैं, यानी कि 8 कोचेस। यस, अब प्रधानमंत्री सबको एक साथ झंडी तो दिखाएंगे नहीं, तो 12:30 का टाइम दिया है, लेट्स सी ट्रेन डिपार्ट कितने बजे होती है। बट केरला का वेदर सच में यार, पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ बोर्ड किया जा रहा है, टिकट वगैरह सब मैंने आपको दिखाई दी। एक और इनॉग्रल जर्नी, वो भी बहुत दिन बाद आपके सामने। अब बाकी जितनी वंदे भारत आ रही हैं उनके भी कमर्शियल जर्नी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। चेयर कार आपको दिखा दिया गया है, अब बिकॉज दिस इज मिनी वंदे भारत, कुल 8 कोचेस हैं, तो एग्जीक्यूटिव अगर आप देखोगे इसमें आपको एक ही मिलता है। यहाँ पर अगेन एक बार फिर से ये दिखाऊंगा, ICF चेन्नई, पैसेंजर कैपेसिटी दिस इज 52, गेट्स आर ऑलरेडी इन्होंने लॉक कर दिए गए बिकॉज थोड़े टाइम में डिपार्चर। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, टॉप रेलवे ऑफिशियल्स प्लस मीडिया को यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। तो एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे बटर का कलर कॉम्बिनेशन में देर इज नो डिफरेंस, तो ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। और ये वही है, चेयर आपकी सीट आपकी रोटेट हो जाएगी, इसमें आपको रीडिंग लाइट्स हो गई, प्लस हर सीट पर आपको यहाँ पर भी ये हो गया चार्जिंग पॉइंट, हेडरेस्ट सेम है, लेग रेस्ट होगा, बट आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू चेयर कार यहाँ पर आपको लेग स्पेस ज़्यादा मिलती है। तो रेलवेज के ऑफिशियल्स यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं, ये देखिएगा 2x2 का आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आप ये देखोगे सीट पूरी रोटेट होगी, यही है, आप ये देख लीजिएगा ये विंडो शील्ड यहाँ पर हो गई, चार्जिंग पॉइंट वगैरह डिफरेंस यार देखो वो ये बताया जा रहा है 25 चेंजेस किए गए हैं, बट नथिंग मतलब ऐसा कुछ मेजर यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वाटर बॉटल होल्डर यहाँ पर हो गया, ये आप देख लीजिएगा पूरा। पैसेंजर कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पर हुआ थोड़ा आगे, जस्ट मिनट सर, थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर चल के आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिएगा कासरगोड टू त्रिवेंद्रम, यहाँ पर भी आपको मिनी पेंट्री कार कोच मिलेगा, जहाँ पर सब कुछ आपका खाना गर्म फ्रेश वगैरह सर्व किया जाता है। और यहाँ पर बिकॉज दिस इज़ कनेक्टेड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा चेयर कार वापस आप आगे, और यहाँ पर ये वॉशरूम। और वंदे भारत का प्लीज़ ध्यान रखिए, वॉशरूम में थोड़ा बहुत मैं कहूँगा मतलब दिक्कत होती है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने मिनी पेंट्री कार डाली, तो यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो हो सकता है शायद आपको कभी कभी थोड़ा बहुत इंतज़ार करना भी पड़े। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप देख लीजिएगा कासरगोड के वंदे भारत खड़ी हुई, लेट्स सी कितने टाइम में यहाँ पर डिपार्चर करेंगे, बट आप देखिए एग्जीक्यूटिव क्लास पूरा यहाँ पर फुल। टाइम आपको बता दूँ दिस इज़ 1:05, गेट्स हो चुके हैं लॉक कासरगोड से, कोड हो गया KGQ, हमारी वंदे भारत रवाना होने के लिए, डिपार्ट होने के लिए तैयार। 9 वंदे भारत को एक साथ निकालना, सोचिए कितना स्टाफ चाहिए, कितनी प्लानिंग चाहिए।
या हम कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 600 किलोमीटर्स 8 घंटे की जर्नी, बिकॉज आज है इनॉग्रल जर्नी, तो ये जगह जगह रुक के जाएगी, आपको पूरा सेलिब्रेशन दिखाएंगे, जितना भी हो सके सब कुछ आपको दिखाएंगे। कासरगोड से एक और जर्नी, और केरला की जो पहली वंदे भारत थी उसका भी मैंने व्लॉग बना है, इनकेस अगर आपने वो नहीं देखा है देखिएगा जरूर। तो आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। देखो अंदर से फोटो वीडियो लेते हुए लोग, और देखो बाहर से भी, ये है वंदे भारत का क्रेज तो कह रही, और ये है ऑरेंज वाली वंदे भारत, तो इसका तो खैर क्रेज ही कुछ अलग है। ये देखो यहाँ पर आपको जरा ये और दिखाऊँ, पीछे ट्रेन मैनेजर का है, यहाँ से भी आपको नज़ारे, आगे मैं आगे कोशिश करता हूँ। ये आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव है, बताया जा रहा है हम जा रहे हैं यहाँ से कासरगोड टू टीवीसी, अब वहाँ से जो दूसरी राजधानी है वो आ रही है टीवीसी टू कासरगोड, बता रहे हैं अगले 2 से 5 मिनट में आपको वो वाली वंदे भारत यहाँ देखने को मिलेगी। तो उसका क्रॉस ओवर अगर देखने को मिल जाए ना, उसकी क्रॉसिंग देखने को मिल जाए, भाई साहब यहाँ पर मज़ा आ जाए। फिलहाल यहाँ पर खाना पीना सर्व कर देगा, ये देखो हम कोई स्टेशन स्किप करते हुए, बट आप केरला का ये रूट देखिए, और अभी क्या मानसून है, ग्रीनरी आप देखिए, देखो लोगों में आप देख रहे हो, लोगों में आप एक्साइटमेंट देखो यहाँ पर। बस दुआ यही कर रहा हूँ वंदे भारत देखने को मिले, थोड़ा सा इंतज़ार रखिए। ये हो गया स्टेशन, यहाँ से भी आप देख सकते हो, यस लेट्स सी अगर हमको यहाँ पर वंदे भारत देखने को मिलती है। और ये रही आपके सामने एक्सक्लूसिव, यस ये देखने को मिली त्रिवेंद्रम टू कासरगोड वंदे भारत। ये सोचिए इंडियन रेलवे का इकलौता रूट जहाँ पर अप एंड डाउन दोनों पर वंदे भारत को रन किया जा रहा है, वाह इंडियन रेलवेज, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और आप ये रूट देखिए, ग्रीनरी आप देख रहे हो केरला की, दिस इज, ये देखो ये हो गया केरला के बैक वाटर्स, यस आप देखिएगा। और हम जा रहे हैं, आपको बता दूँ हम जाएंगे वाया अलप्पुआ, अलप्पुआ मैं पहले ही एक्सप्लोर कर चुका हूँ हाउस बोट, अगर आप वो देखना चाहें चैनल पर व्लॉग ऑलरेडी लाइव है। जर्नी की शुरुआत हो चुकी है राइट नाउ, ऑलमोस्ट इट इज़ 1:30, सबसे अच्छी बात है ट्रेन शुरू होते ही, डिपार्ट होते ही यहाँ पर हमको अब यहाँ फर्स्ट क्लास लंच सर्व कर दिया गया है। देखो इसके कमर्शियल स्टॉप्स अलग अलग हैं, वो मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, बट बिकॉज आज इनॉग्रल जर्नी है तो ट्रेन जगह जगह रुकेगी। ये देखो आप देखिए लोगों में देखिए, मतलब वही है ना, आप कह लीजिए इंडिया के हर स्टेट तक अब वंदे भारत पहुँच रही है, बिकॉज दिस इज़ ऑरेंज, तो लोगों में और भी एक्साइटमेंट है कि भैया ये नए कलर वाली वंदे भारत दिखती कैसी है। तो आपको फूड नामा क्या दिखाऊँ, बिरयानी दी गई है, चपाती हो गया, यहाँ पर ये सब्ज़ी हो गई, रायता दिया गया है, प्लस यहाँ पर आपको गुलाब जामुन मिलेगा। और जब भी वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी होती है, जो ये खातिरदारी होती है ना रेलवेज़ की तरफ से, और आज का सफ़र तो इतना लंबा है तो आप फूड नामा देखते जाइएगा, आई एम श्योर आपके मुँह में पानी आ जाएगा। केरला के कन्नूर में आपका स्वागत है, स्टेशन की शुरुआत हुई 1907 में, लगभग कितने पैसेंजर, 20,000 पैसेंजर्स एवरी डे, सेलिब्रेशन पूरा आगे चल रहा है। बट आप देखो जो लास्ट स्टेशन पे चढ़े थे अब वो यहाँ उतरेंगे, अब यहाँ से कुछ पैसेंजर्स चढ़ेंगे जिनको पासिस दिए गए वो अगले स्टेशन पर उतरेंगे। इनॉग्रल जर्नी का यही है वंदे भारत का, पक्को बता दूँ इसमें 5 या 6 कमर्शियल स्टॉप हैं कन्नूर उनमें से एक है। आप देखो भाई साहब स्टेशन पर आप भीड़ देखो, उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी, सेलिब्रेशन बिल्कुल आगे की तरफ, बिकॉज ऑटोमेटिक गेट से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये देखो ऐसा लगता है पूरा ट्रेन में पूरा गांव चढ़ गया था, सच में यार ये क्रेज़ जो है ना, और एक्चुअली वही है ऑरेंज वंदे भारत है ना, तो उसका क्रेज़ अपना ही अलग है। थोड़ा अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखो आप वाइड लेंस में देखो, ये देखो आप सोचो सिर्फ ये लोग एक ट्रेन देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए, भाई ऑटोमेटिक गेट्स हैं अंदर ही रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट ये है रेलवेज का कमाल।
आपको लगता होगा वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी बड़ी आसान है, बट आप ये देखिए, बिकॉज इनॉग्रल जर्नी है, सबको पासेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप हालत देखिए, गेट ओपन किए क्या? हाँ हुए, फाइनली हुए। चलिए हमारी जर्नी का एक और स्टॉप ये हो गया तिरूर। बहुत संभाल के मेरे को नहीं जाने दो भाई, यहाँ उतरना रिस्की है। देखो लोग उतरे हैं, अब देखो यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं। मतलब ये है, एक स्टेशन पे चढ़ते हैं, एक स्टेशन पर उतरते हैं। हमारे सत्य भाई, मोहित भाई, चलो मोहित भाई, सब यही उतर रहे हैं। सत्य भाई टेक केयर, मिलेंगे आगे आगे मिलेंगे। आप यहाँ माहौल देखो, ये है वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी। आपको नीचे उतर के मैं क्या दिखाऊँ, आप सोचो। ये देखो आपको दिख रहा होगा, लोग देखिए भाई साहब, ये देखो थोड़ा बाहर का आपको कोशिश करते हैं। ये देखो आप देख रहे हो, एक्साइटमेंट देखिए लोगों में, यार बाहर उतरना थोड़ा सा रिस्की है। चलिए टेक केयर, मिलेंगे। चलिए चलिए भाई, मजा ही अलग है यार, सच में इसकी क्रेजीनेस ना आपको मैं क्या बताऊं। जर्नी की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है, वंदे भारत ने पकड़ी रफ्तार। और रूट की तो खैर आप जितनी तारीफ करोगे उतनी कम। टाइम इट इज 4 o'clock और अब यहाँ पर हमारा इवनिंग स्नैक्स सर्व किया गया है। आप देखो पूरा कोच, हम बैठे हैं C3 में, आप मान लीजिए पूरा कोच फुल है। अब यहाँ बता दूँ क्या क्या दिया गया है, ये फ्रूटी आप देख लीजिएगा, ये आई गेस कोई लोकल मिष्ठान दी गई है स्वीट, बाय चांस अगर आपको पता है क्या है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ये कुछ मठरी टाइप दिया गया है, ये भी अगेन लोकल है अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर दिए गए हैं बनाना चिप्स। टी कॉफ़ी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग। बट आप देखो मतलब हर स्टेशन से ऐसा लग रहा है क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, और सच में कहना पड़ेगा ये वाली जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, बट आप देखो एटलीस्ट लगातार यहाँ पर खाना पीना आता रहता है तो क्या टेंशन नहीं है। और रूट आप देखिए, ब्रिजेस आप देखिए, केरला का बैक वाटर्स आप देखिए, मौसम इतना ज़बरदस्त है ना कि एटलीस्ट जब आप विंडो के बाहर देखते हैं आपको नज़ारे तो कम से कम, ये देखो नज़ारे तो कम से कम आपको अच्छे मिल रहे हैं। सफ़रनामा फर्स्ट क्लास चल रहा है, खातिरदारी यहाँ पर चल रही है। अब आपको कॉस्टिंग बता दूँ, हम हैं चेयर कार में, चेयर कार की है अराउंड 1600, एग्जीक्यूटिव की है 2800। और सर्विसेज चेयर कार में, एग्जीक्यूटिव में आपको बहुत अलग अलग मिलेंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी लंबी जर्नी होने वाली है, अब आपको बता दूँ काफ़ी स्टेशंस अब मैं स्किप करने वाला हूँ, कुछ अराउंड 5 to 6 स्टॉप्स हैं। आज इनॉग्रल है तो ऑलमोस्ट हर जगह रुकेगी, अब आपको हर जगह कितना दिखाएं, हर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म से सोचिए इतना खर्चा किया जा रहा है एक इनॉग्रल जर्नी के लिए। और 9 वंदे भारत को लॉन्च किया गया है, सोचो रेलवेज मार्केटिंग पे आप कह लीजिए, प्रमोशंस पे कह लीजिए, कितना बड़ा खर्चा कर रही है, सोचने वाली बात है। ये जो लोकल मिष्ठान दिया गया है ना, इसको ज़रूर टेस्ट करना, कुछ बर्फी टाइप है बट बढ़िया है। बाई चांस अगर किसी को पता है प्लीज़ ज़रा बताइए। उम्मीद है आवाज क्लियर होगी। सफरनामा अब पहुंचा है अरनाकुलम केरला, जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ कोकोनट्स, द लैंड ऑफ एलिफेंट्स। और आपको सबसे ज्यादा इंडिया में अगर लिटरेसी रेट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ। सेलिब्रेशन आगे होता हुआ आपको क्या ही दिखा है। कुछ स्टेशन से मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले टाइमिंग बता दूँ, कासरगोड से चलेगी सुबह 7 बजे, त्रिवेंद्रम आप पहुँचेंगे दोपहर में 3 बजे के आसपास, वहाँ से चलेगी दोपहर को 4 बजे और आप कासरगोड पहुँच जाएंगे रात को 12 बजे। इट रन्स एवरी डे एक्सेप्ट ट्यूजडे फॉर मेंटेनेंस। और यहाँ पर हमारी वंदे भारत का इनॉग्रल जर्नी का डिनर बोर्ड किया जाएगा, तो 5 मिनट लगभग लगेंगे बट हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम जाते हुए। और जो सफ़रनामा चल रहा है आप देखो, स्टाफ वगैरह स्टेशन पर आप हलचल देखिए, लाजवाब। मतलब हर एक इनॉग्रल जर्नी और केरला तो सच में मज़ा ही अलग है। ऑटोमेटिक गेट्स सर, हाँ सर, पैसेंजर है सर, कैसा चल रहा है जर्नी? बहुत बढ़िया। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग?
आप ये बताइए टीटी का इस वाली ट्रेन में करीब कितना स्टाफ चल रहा है आज? अराउंड हाउ मेनी पीपल? 20 के करीब चल रहा है। मजा आ रहा है ना सर? बहुत बढ़िया लग रहा है सेवा करने के अंदर। और सर प्लेटफॉर्म पे इतना पब्लिक कभी देखा? बहुत ज्यादा पब्लिक है सच में यार, आप देखो यार मजा आ रहा है ना। अरे वंदे भारत का देखो भाई, देखो फिर लोग चढ़ गए, मतलब आज भीड़ देखो भाई साहब, आज से बाहर का तो दिखाई नहीं, कोई नहीं देते भाई। करंट वक्त आपको बता दूं, दिस इज 8:20 और अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस की हालत देखोगे, ये इनॉग्रल जर्नी है तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, वाकई में कभी कभी जनरल वाली फीलिंग आती है। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हमारा एकदम फर्स्ट क्लास डिनर सर्व किया गया, और जो मैंने आपको बताया था ये बोर्ड किया गया था उस वाले स्टेशन से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वापस मिष्ठान में ये लड्डू दिया गया है, रायता हो गया, ये पनीर की सब्ज़ी, दोपहर को भी राइस थे वापस राइस हो गए, पिकल दिया गया है, और यहाँ पर ये हो गए आपके चपाती। आप देख लीजिए जितने भी पैसेंजर ऑन बोर्ड हैं, आप मान लीजिए सबके लिए यहाँ पर डिनर की तैयारी की गई है। वाकई में एक इनॉग्रल जर्नी के लिए सोचने वाली बात यह है कि रेलवेज कितना खर्च कर रही है। आई एम श्योर टेस्ट करेंगे खाना पीना एकदम सब फर्स्ट क्लास ही होगा। आप देखिएगा यहाँ पर हमारे दादा, थैंक यू सो मच दादा, ये सुबह से मानिए सुबह से लोगों की सेवा कर रहे हैं भाई, इतना बैक टू बैक करना, थैंक यू सो मच है ना, इतना बैक टू बैक करना। सुबह हम करीब एक दोपहर को करीब 1 बजे के चले और इतना यहाँ पर अब खाना पीना सब। चलिए अब जरा आपको ये टेस्ट करके दिखाते हैं कि खाना पीना कैसा दिया गया है डिनर। अलग ही फीलिंग है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, देखो यार इनॉग्रल जर्नी है, हर किसी को वंदे भारत एक्सप्रेस का मतलब ट्रेन का एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, खैर कोई बात नहीं। आपको बताइए कमर्शियल में तो खैर मज़ा ही अलग आता है, फिलहाल यहाँ पर सिर्फ वेज दिया गया है। जब आप कमर्शियल जर्नी करोगे वेज नॉन वेज, ध्यान रखिए चेयर कार और एग्जीक्यूटिव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पनीर की सब्ज़ी दी गई है, बढ़िया यही है। तो जी सुबह दोपहर के हम चले हैं, पहले सब खाना पीना आप देख रहे हो, मैं तो एक्सपेंस की सोच रहा हूँ कि अकेले ही वंदे भारत पे रेलवेज कितना खर्च कर रहे हो, और ये सिर्फ एक ट्रेन है। सोचो 9 की 9 ट्रेन आज चलाई गई है, आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और एक्चुअली ये दिक्कत आप देखोगे ये होती है मिनी वंदे भारत में, सिर्फ 8 कोचेज हैं, लोगों को जगह मिलती नहीं है, बट लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो लोग यहाँ पर खड़े भी रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब जितने भी स्टेशंस हैं अब मैं सब स्किप करने वाला हूँ, आपसे अब मेरी सीधी मुलाकात होगी डेस्टिनेशन। सबसे अच्छी बात है जो इनॉग्रल जर्नी का टाइम है बिल्कुल ऑन टाइम हमारी गाड़ी जा रही है, रायता हो गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब बातचीत यहाँ बंद, खाने तो यार भूख लगी है, आपसे मिलेंगे, लेट्स सी अब हम हमारी डेस्टिनेशन TVC कितने बजे पहुँचते हैं। शुरुआत की थी दोपहर को करीब 1 बजे, बिल्कुल राइट टाइम आप मान लीजिए 11 बजे हम पहुंचे हैं त्रिवेंद्रम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। लगभग 600 किलोमीटर की एक और जर्नी होती है ख़त्म ऑरेंज वंदे भारत। आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई बनाए रखिए। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ से मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ आपको आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। पहली वंदे भारत ऑरेंज वंदे भारत का सफ़र होता है ख़त्म, आप देखोगे बिल्कुल हम बिफोर टाइम आए, ठीक है। खाते रहिए पीते रहिए और मेरे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज डोलेश, वंदे मातरम और वंदे भारत। आने वाले टाइम में आपके सामने बैक टू बैक जर्नी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, देखिए जितनी जर्नीज आप करना चाहें कीजिए। टाटा, टेक केयर। थोड़ी सी थकान ज़रूर है, होटल जाएंगे और फिर आगे देखते हैं।